इसी के साथ कर्नल अजय जी, यहाँ से बात करें अगर CTT की, तो कम्युनिटी बाजार से काफ़ी लोग का कहना है कि CTT में कमी होनी चाहिए, कम्युनिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दूसरा, यहाँ से अभी हाल फिलहाल में जो NCDX पर जिन कम्युनिटीज़ में बैन लगाया गया था उनको वापस से लागू किया जाना चाहिए, NCDX पर उनको वापस से बैन हटाकर दोबारा से ट्रेडिंग शुरू होनी चाहिए। इस पर आपको क्या लगता है, ज्योतिष के आधार पर क्या ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, सरकार को करना ही पड़ेगा जी, सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरसों के ऊपर बैन है, सोयाबीन के ऊपर बैन है जी, सोया ऑयल पे बैन है, खाद्य तेलों पे बैन है जी, चने पर बैन है, चने पर बैन है। अब पॉइंट ये है कि चना पिछले साल जब से बैन लगा है उस स्टॉक लिमिट की बात हुई है, अब चना ना व्यापारी खरीदना चाहता है ना किसान उसको रखना चाह रहा है जी। जब और एक चीज दूसरा, यदि हम सरसों के ऊपर भी देखें या सोयाबीन पर भी देखें, सोयाबीन के अंदर जब रिफाइंड सोया ऑयल का जब इसमें रोक लगी थी, 1020 रुपए का भाव था, आज 1240 रुपए, 1250 रुपए तक का भाव बिक गया पिछले एक महीने में जी। सरसों के अंदर भी एक तरफा बड़ी तेजी बन गई, अब थोड़ी सी मंदी है। तो कुल मिला के बैन लगाने के बाद नतीजा क्या बाजार में आ रहा है वो नहीं पता लगा जी, वो दिखाई नहीं दिया है। तो मेन चीज यह है कि अभी बैन लगाने से कुछ कमोडिटी के अंदर भाव काबू में आ जाते हैं, जैसे आज मार्केट टाइम्स के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने ये कहा था कि यदि आप बैन लगा रहे हो तो MRP को भी आप काबू करो जी, MRP के ऊपर भी चर्चा करो। और ये बहुत अच्छा भी हुआ, सरकार ने हमारी बात सुनी, चैनल की बात सुनी और MRP के ऊपर भी चर्चा हुई जी। तो पॉइंट ये है कि जब यदि सरसों का जब बंपर उत्पादन आएगा तो आपको लिमिट जैसी चीज, वायदे जैसी चीज को शामिल करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है जी। क्योंकि जब भाव, क्योंकि किसान जब लिमिट आप लगा दोगे तो कारोबारी या व्यापारी कितने कैसे माल लेगा, किसान का जब उपज बिकेगी नहीं, एक लिमिट रहेगी, उसके भाव नहीं बढ़ेंगे तो किसान तो लुटपुट जाएगा। किसान को यदि रबी की फसलें आ रही है, उस फसल के अंदर यदि भाव उसको नहीं मिले तो आप कितना ही उसको रियायत दे दो, कितना ही कुछ कर लो, तो वो तो सिर पकड़ के बैठेगा बेचारा जी। और एक छोटा और मझोला किसान किसी भी कीमत के ऊपर अपनी कृषि उपज को, ना तो उसके पास भंडारण की सुविधा है, ना उसको रोकने की सुविधा है, क्योंकि वो अपनी फसल बेचेगा तो अपने कर्जे या अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा, या जो उसने फसल के ऊपर अनुमान लगाया हुआ है उसके हिसाब से उसको उसकी व्यवस्था चलेगी। वो ऐसा थोड़ी है कि 3 महीने रोक लेगा, 4 महीने रोक लेगा, 6 महीने रोक लेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो लिमिट का हटना, कारोबार वायदे बाजार में इसका शुरुआत होना, वो किसानों के लिए हित में है। यदि नहीं हुआ तो जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि सरकार को जो वायदा है वो चालू करना ही पड़ेगा, सरकार के पास भी और कोई चॉइस नहीं है। हो सकता है कि क्योंकि कमोडिटी बाजार में काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही है, निवेशकों की, इन्वेस्टर्स की, काफ़ी लोगों की डिमांड है कि जो बैन है वो हटना चाहिए, जिससे कि इन जो फसलें बैन हुई थी उनमें जो ट्रेडिंग है फिर से शुरू हो सके। क्योंकि देख रहे हैं कि अब जो वायदा में कम्युनिटीज़ हैं वो सिर्फ नाम मात्र की रह गई हैं, ऐसे तो फिर एक्सचेंज ही नहीं चलेगा। देखिए अखिलेश जी, बजट के अंदर यदि, मुझे नहीं लगता कि बजट के अंदर किसी भी प्रकार के टैक्सों की कटौती, चाहे वो कमोडिटी बाजार की हो चाहे स्टॉक मार्केट की, होने की मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही है जी। मांग चाहे इंडस्ट्री करे, चाहे कारोबारी करे, चाहे किसान करे, मुझे नहीं लगता है कि NCDX और NSE/BSE के अंदर किसी भी प्रकार की कटौती आए। लेकिन ये जरूर है कि यदि व्यापार को जिंदा रखना है
तो उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देने चाहिए, लेकिन उसको पूर्ण तरह से हटाना, पूर्ण तरह से उसके लिए करना, इससे ये साबित हो चुका है। आपको याद होगा कि हमने जब इन्होंने सोया के को और इसको हटाया था तो हमने यही कहा था कि ये टेम्परेरी 2-4 दिन की बात है, लेकिन उसके बाद में ये तेजी बनेगी। और उसके बाद देखिए सोयाबीन है और इसके अंदर इन्होंने अच्छी मूवमेंट की। तो मेरे को तो यही कहना है और सरकार से भी यही अनुरोध है कि यदि किसानों को अच्छे दाम मिले तो उसके लिए एक NCDS और क्या जैसा जो एक्सचेंज है उसके अंदर यदि आप कमोडिटीज को लगातार घटाते चले जाओगे तो ये इसका सलूशन नहीं है जी, क्योंकि आप हर चीज का दोषारोपण यदि NCDX पे कर दोगे तो ये भी उचित नहीं है। यदि सरकार चाहे तो अपना बफर स्टॉक बनाए एडेबल ऑयल का, सोयाबीन का, सरसों का, यदि MSP से ऊपर यदि बिक्री है तो आप इंपोर्ट कर लो जी, कहां समस्या है, और उसका बफर स्टॉक बनाओ, जरूरत पड़ने के पर उसको आप रिलीज करो, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये अखिलेश जी,